हमने ये सीखना है कि सबमर्ज फ्लो जो है, सबमर्ज ऑरिफिस जो है, उसमें से आपने डिस्चार्ज कैसे फाइंड करना है। मैंने पहले बताया था कि सबमर्ज ऑरिफिस क्या होता है। सबमर्ज ऑरिफिस वो होता है जिसके डाउन स्ट्रीम की जो पानी की डेप्थ है वो वियर के क्रेस्ट के लेवल से ऊंची हो। पिक्टोरियल व्यू देखने इसका तो कुछ ऐसे होगा। देखो, अपस्ट्रीम जो है हेड इतना है, डाउन स्ट्रीम का जो हेड है वो है तो अपस्ट्रीम वाले हेड से कम, और ये हमेशा कम ही रहेगा। जो डाउन स्ट्रीम वाला हेड है वो कभी भी अपस्ट्रीम वाले हेड के बराबर नहीं आ सकता, ठीक है? तो लेकिन देख रहे हो आप, इसके अंदर ये सबमर्ज ऑरिफिस है, तो इसका जो बेसिकली क्रेस्ट का लेवल है ऑरिफिस का, वो उसकी डेप्थ के नीचे है। तो ये कौन सा वाला ऑरिफिस हो गया? ये सबमर्ज ऑरिफिस हो गया। सबमर्ज ऑरिफिस को डिस्चार्ज पॉइंट करने का फार्मूला जो है ये वाला है। इसमें क्यू जो है वो डिस्चार्ज है, इक्वल टू सी डी। सी डी क्या आ गया? कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज। जब कॉफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज आ जाए तो ये कौन सा डिस्चार्ज बन जाता था? ये एक्चुअल डिस्चार्ज बन जाता होता है। इंटू ए, विच इज एरिया ऑफ ऑरिफिस इन मीटर स्क्वेयर, ठीक है? अंडर रूट ऑफ 2g इंटू H1 - H2। H1 क्या है? ये हेड ऑफ द अपस्ट्रीम साइड। लेकिन ध्यान करना है, हेड जो है वो ऑरिफिस के मिडिल में से नहीं है, कहाँ से है? बॉटम से। बाकियों में क्या था? बाकियों में हम क्या कर रहे थे? और हेड जो है वो ऑरिफिस के मिडिल में से है। लेकिन सबमर्ज ऑरिफिस के अंदर ये एक्सेप्शन है कि हेड जो है वो कहाँ से है? बॉटम से। और इस वाले का जो हेड है डाउन स्ट्रीम में, वो भी बॉटम से है, वाटर सरफेस लेवल तक का। इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसको किससे शो करवाया गया है? डेल्टा एच से, ठीक है जी? तो क्यू इज इक्वल टू सी डी ए अंडर रूट ऑफ 2g इंटू H1 - H2। ये होता है सबमर्ज ऑरिफिस, ठीक है? तो हाँ, मैं बताना भूल गया कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वेयर में आ गया, ये मीटर स्क्वेयर में आ गया। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, सी डी जो है डायमेंशनलेस है, तो क्यू की वैल्यू किस में आएगी? क्योंकि ये सारे मीटर में है तो ये किस में आ जाएगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? ये ध्यान करना। अगला है एक न्यूमेरिकल, तो उसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में जो है ना, उसने लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर ऑरिफिस 1.5 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप इज डिस्चार्जिंग वाटर फ्रीली फ्रॉम अ टैंक इफ द वाटर लेवल इन द टैंक इज 3 मीटर अबव द टॉप एज ऑफ द ऑरिफिस एंड सी डी इज 0.60। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द टैंक। अब सी डी गिवन है तो हमने कौन सा डिस्चार्ज फाइंड करना है? हमने एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करना है, ठीक है? अगर मैं ऑरिफिस को ड्रॉ करूं, ये ऑरिफिस का टैंक बन गया, ठीक है? उसके अंदर मैं वाटर सरफेस लेवल को अगर ड्रॉ करूं, ये आ गया, ठीक है? अब आपने इसमें एक ऑरिफिस निकाला है, बिल्कुल सी, ये हमारा ऑरिफिस आ गया, ठीक है? ये ऑरिफिस है, और ये कौन सा ऑरिफिस है? उसने लिखा हुआ है कि आ रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। उसकी डायमेंशन में लिखी हुई है कि 1.5 मीटर वाइड है और 1 मीटर डीप है। अच्छा, 1 मीटर डीप का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है ऑरिफिस के बॉटम से लेके ऑरिफिस के टॉप तक का, ये कितना है? ये 1 मीटर, सही है जी? तो जो इसकी विड्थ है ना, वो मैं इस डायग्राम में शो नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मुझे उसको देखने के लिए जो है इसका ऑरिफिस का एक साइड व्यू जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब इस टैंक का जो है साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो कुछ ऐसे होगा ऑरिफिस जो है। तो जी, उसकी जो बेसिकली आपके पास जो हम डेप्थ है वो ये वाली आ गई, और जो उसकी विड्थ है वो ये वाली आ गई, 1 मीटर। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये डेप्थ है इसकी और
और ये बेसिकली 1.5 मीटर जो है ना विड्थ है, चौड़ाई है ना बेटा, तो चौड़ाई जो है वो ये वाली होगी, ये चौड़ाई है इसकी और ये उसकी डेप्थ है जो यहाँ यहाँ शो करवाई हुई है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर ऑरिफिस जो है ना वो बन गया। अच्छा, सी डी की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है वो कितनी है, 0.6। ठीक है, आपकी जो बी थी ऑरिफिस की वो कितनी है, आप लोगों ने टॉप पे देख लिया, इसकी बी जो है कितनी आ रही है, 1.5। जो डेप्थ है इसकी वो कितनी आ रही है, हमारी 1 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करने बैठे हैं हम लोग, स्टार्च फाइंड करने बैठे। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या गिवन है, इफ द वाटर लेवल इन द टैंक इज 3 मीटर अबव द टॉप एज ऑफ द ऑरिफिस, मतलब वाटर लेवल जो टैंक के अंदर है वो 3 मीटर है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑरिफिस। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर मैं टॉप ऑफ द ऑरिफिस से एक लाइन ड्रॉ करूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो इसका जो डिस्टेंस है बेसिकली टॉप तक वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि एक तरह से ये जो हमारा एच है ये इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको बेसिकली एच जो है ना मैं लिख देता हूँ बेसिकली 3 मीटर जो है ना वो, इसको मैं हेड लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है ना, ये है 3 मीटर, बाद में डिसाइड करेंगे कि ये इसको क्या कहना है, ये फिलहाल इसको मैं हेड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 3 मीटर। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि जी आपने इसको हेड क्यों लिखा है, मैंने इसको हेड इसलिए लिखा है कि बेसिकली होता क्या है कि हम जो डिस्टेंसेज लेते हैं ना कई दफ़ा ऑरिफिस में, वो कहाँ से लेते हैं, इसके मिडिल में से लेते हैं, तो चूंकि ये उसके मिडिल में नहीं है तो मैं इसको एच नहीं बोल सकता, मैंने सिंपल इसको हेड बोल दिया। एच जो है वो डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करते हो, इसके मिडिल में से फाइंड करते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इससे पहले कि हम डिस्चार्ज को फाइंड करें, हमें एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है, वो क्या क्लैरिफाई करनी है कि भाई साहब क्या आपका ऑरिफिस जो है ये फ्री फ्लोइंग है या सबमर्ज ऑरिफिस है। तो वो तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया हुआ कि ये फ्री है, फ्रीली जो है ना फ्रॉम द ऑरिफिस टैंक जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर क्या हुआ, ये एक फ्री फ्लोइंग ऑरिफिस है। ठीक है, दूसरा एक तो डिसाइड कर दिया हम लोगों ने कि फ्री है, अब दूसरा है कि ये स्मॉल है कि लार्ज है ऑरिफिस। ठीक है, तो जो स्मॉल एंड लार्ज ऑरिफिस की चीज़ें डिसाइड करती होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, वो ये इक्वेशन है कि एच अगर तो ऑरिफिस आपका स्मॉल है तो जो आपका एच है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द 5 टी। अब ये एच क्या है, एच जो है ऑरिफिस के मिडिल से लेके वाटर सरफेस लेवल तक का डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ जो कि ऑरिफिस के बिल्कुल मिडिल में से आए, ठीक हो गया, और यहाँ से जो उसका डिस्टेंस स्टार्ट हो वो टॉप तक जाए, तो ये कितना है, ये डिस्टेंस जो है ये एच होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये एच होता है। अब हमने चेक करना है कि यार ये डिस्टेंस है कितना, देखो हमें ये तो पता है कि यहाँ से लेके जो ऑरिफिस के टॉप तक का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, ये लिखा भी हुआ है साथ में हम लोगों ने। ठीक है, मिडिल तक का डिस्टेंस कितना है इसका, ऑब्वियसली अगर ऑरिफिस कि विड्थ जो है वो 1 मीटर है, ऑरिफिस की जो डेप्थ है 1 मीटर है, तो इसकी हाफ कितनी होगी, 0.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3.5 मीटर, ये आपका एच है बेसिकली। ठीक है, तो फार्मूले के अंदर ज़रा हम जा दोबारा जाते हैं कि आपका जो एच है वो बेसिकली 3.5 है, और जो आपकी डी की वैल्यू है वो आपने पहले ही जो है ना 1 लिखी हुई है, तो ये कितना हो गया, 3.5 शुड बी ग्रेटर देन। कैसा होता है, नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, सो द ऑरिफिस इज लार्ज। ठीक है, ऑरिफिस जो है वो लार्ज है, तो लार्ज ऑरिफिस हमने यहाँ पढ़ा था मैं हमें गेस्ट स्लाइड नंबर 11 के अंदर, कि लार्ज ऑरिफिस के अंदर जो है आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है फाइंड करने के लिए, ये एच तो फाइंड कर दिया आपने ये वाला सेंटर से लेके, अब आपको एच वन चाहिए होता है, उसमें एच टू चाहिए होता है, वो सिंपल आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करना होता है और आपके पास वैल्यूज क्या जाती है डिस्चार्ज की। ठीक है,
तो बेसिकली आप H1 क्या है, H1 हमारा बेसिकली ये था, ये वाली चीज़, ठीक है, कि वाटर सरफेस लेवल के टॉप से लेके ऑरिफिस के टॉप तक का डिस्टेंस जो आपका H1 था, और वाटर सरफेस लेवल के वाटर सरफेस लेवल के टॉप से लेके और ऑरिफिस के बॉटम तक का डिस्टेंस जो है, ये बेसिकली आपके पास H2 था, ठीक है। और हमने ये देखा है कि जो ऑरिफिस के टॉप तक का डिस्टेंस है वो 3 है, उसमें 1 ऐड करना है बॉटम तक जाने के लिए, तो कितना हो जाएगा H2, H2 जी बेसिकली इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 मीटर। ये है जी आपका H2, आपका H1 भी आ गया, आपका H2 भी आ गया। सो व्हाट आर यू वेयरिंग फॉर, ठीक, सिंपल जो इसका फार्मूला है उसको आपने यूज़ करना, ठीक है। अब डिस्चार्ज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ इंटू, सॉरी मैं उधर से लिख लेता हूँ यार, मैं बजाय इसके कि मैं कोई गलती करूँ बीच में फिर वापस मुझे करनी पड़े, मैं देख लेता हूँ, तुम लोगों ने वाला याद करना है इसको, देखा ना गलती होगी ना बीच में, क्या होता है 2/3 इंटू सी डी इंटू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, ठीक है, इंटू H2 रेज टू पावर 3/2 माइनस H1 रेज टू पावर 3/2, ठीक है ना, इस बार उन्हें पुट करना है इसको। अच्छा 2/3 तो वैसे का वैसे ही आ गया, सॉल्व किया इसको 2/3 को, तो ये बेसिकली ये 0.67 ही निकल रहा था, आप इसको डायरेक्टली 6/7 लिख दो। ज़रा सी डी कितना आया था, 0.6 लिया हुआ था आपने, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g कितना आता है, मैं अपने कैलकुलेटर से भी सॉल्व करता हूँ इसको। या तो 4.427, ठीक है, ये आपने जब स्केयर रूट लिया 2g का, तो फिर ज़रब H2 कितना आ गया, H2 4 रेज टू पावर 3/2 कितनी होती है, वो 1.5 होती है, तो मैं इसको 1.5 लिख रहा हूँ, माइनस 3 रेज टू पावर 1.5, ठीक हो गया। आगे पहले मैं ब्रैकेट के बाहर वालों को सॉल्व कर लेते हैं, 0.67 ज़रब 0.6 ज़रब 4.427, ये बनता है 1.77, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लो ज़रा, 4 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1.58 होता है, और थ्री रेज टू पावर 1.5 जो है वो होता है 5.19, देखोगे तो इसको अब जरा कंप्लीटली सॉल्व कर लो, 8 माइनस 5.19 2.81,
कितना आ गया, 1.779 मल्टीप्लाइड बाय 2.81, 4.99, ऑलमोस्ट 5 m³ पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फ्लो फ्रॉम द ऑरिफिस। ठीक है, यहाँ पे ऑल द वैल्यूज ने जो है ना निकाली हुई है आपके पास 7.43। आई डोंट नो कि ये क्या वजह, शायद मैंने कैलकुलेटर में कोई गलती की है या कुछ और ऐसा इशू है। नहीं, मैंने एक चीज़ बीच में पुट नहीं की है, मैंने वैल्यू ऑफ बी जो है मैं मिस कर गया हूँ। वैल्यू ऑफ बी जो है आई मिस्ड इट, जो कि बेसिकली विड्थ होती है उसकी वियर की, तो वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ये बोला 1.5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साथ में इसको लिखना पड़ेगा 1.5, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ। सपोर्ट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू जो है बेसिकली वो 4.743 m³ पर सेकेंड ही आएगी। ठीक, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अगला जो है वो इससे ज़्यादा सिंपल है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, आपकी असाइनमेंट है ये वाली। ठीक है, इसमें कुछ सवाल हुआ इस वाले में तो बताना है मुझे आपने, और उसमें भी कुछ सवाल तो बताना है मुझे आपने। आप इसे सॉल्व कर लोगे, अगर ये क्लियर है तो ये तो मसले कोई नहीं है। ठीक है, आगे 17th है कि एडवांटेजेस क्या हैं वियर ऑरिफिस के और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज तो ये कि चीप होते हैं, ये बहुत सिंपल, मतलब एक सुराख ही है ना यार, प्लेट में निकाल के खुद ही इसको ड्रिल कर लो, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। ठीक है, और सबमर्ज ऑरिफेस जो है रिक्वायर्स स्मॉल हेड लॉस। कहते हैं कि जो आपके है ना जो डिफरेंस है ऑरिफेस, जो लार्ज ऑरिफेस है आपका ये वाला जैसे, ठीक है, अगर ये डिफरेंस कम भी है ना तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, आप उसको मेजर कर सकते हो बड़े आराम से। कहता यह है कि अगर आपका जो डिफरेंस है ना इन दोनों हेड्स के बीच में वो कम भी हो गया तो खैर है। ठीक है, समझ ऑरिफेस जो है उसमें आपका H1 और H2 के बीच में जो हेड लॉस है या जो डिस्टेंस है बेसिकली H1 और H2 के बीच में वो कम भी है तो खैर है। ठीक है, यूज्ड इन पाइप फ्लोस, और आपने ऑरिफेस को खैर खैर पता लग गया होगा आपको कि ऑरिफेस आप कहाँ यूज़ कर सकते हो जब पानी जो है वो पाइप में से बह रहा हो। ठीक है, किनाल में तो आप कभी सुराख करके उसमें से पानी निकालने से रहे ना, किनाल में तो नहीं हो सकता ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको बीच में होल करना पड़ता है, तो होल पाइप के अंदर ही हो सकता है, किनाल के अंदर तो नहीं हो सकता। आगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज हायर देन दैट इन फ्लूम। कहते हैं कि इसमें हेड लॉसेस ज़्यादा होते हैं फ्लूम की निस्बत। अब फ्लूम क्या होती है वो बात की बात है, मैं आपको बाद में पढ़ाएंगे अगला लेक्चर फ्लूम्स के ऊपर ही है। ठीक है, कहते हैं कि इनमें हेड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हेड लॉस ज़्यादा होने की क्या वजह है भाई साहब, हेड लॉस होने की वजह यह है कि ये जो दो कोने हैं ना, जो इनके साथ पानी जो है वो इनके अगेंस्ट है, जब वो क्या कहना चाहिए मुझे कि जब वो फ्लो करता है इनसे लग के जब फ्लो करता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज इसके इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेज जो हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्लूम में ये दोनों इस तरह के एज नहीं होते, तो फ्लूम के अंदर लॉसेज जो है ना वो कम होते हैं, लेकिन हम फ्लूम के बारे में डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंड्स टू कलेक्ट द फ्लोटिंग डिब्रीज सैंड एंड सिल्ट ऑन द अपस्ट्रीम साइड। अब देखो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर कहता है, देखो जी ये मैंने बनाया हुआ ना ये वाला, अगर मैं इसको निकालूं जो इसने ज़बरदस्त सा बनाया हुआ है, कोई निकाल लो इसमें से ऑरिफिस, ये निकालो, चलो ये निकाल दिया। कहते हैं कि देखिए पानी तो फ्लो कर रहा है लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा भी हुआ है ये वाला। जो खड़ा पानी है ना बेटा, याद रखनी है बात आपने, वो हमेशा बहुत ज़्यादा जो है ना डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक है, ये बेशक वो पाइप फ्लो हो बेशक वो ओपो जनरल फ्लो हो, पानी अगर बीच में रुक रहा है ना कहीं पे, तो उसके अंदर जो मिट्टी है वो सारी बैठना स्टार्ट कर देगी, और यही चक्कर जो है वो ऑरिफेस में भी होता है कि जब रुकता है ये सारी डेब्रीज जो है, जो सैंड है, जो मिट्टी है, सेडिमेंटेशन है, वो सारी की सारी जो है ना बैठना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये किसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो विद दैट बेटा वी आर डन विद द लेक्चर नंबर 8 ऑफ आर कोर्स। बाकी आपके थोड़े से लेक्चर बाकी रह गए हुए हैं। ठीक है, हमारे ऑलमोस्ट जो है ना 14 लेक्चर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली दो चार लेक्चर ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली वो ना मर्ज ही हुए हैं एक तरह से,
तो आपका कोर्स जो है काम ही रह गया हुआ है, तो इसमें कोई सवाल जो आप करना हुआ तो आपने मुझसे जो है ना वो पूछना है, ठीक है। और अल्टीमेटली ऑब्वियसली हम जो आए हैं वो लाइव सेशंस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, तो उसमें कोई सवाल होता आपने मुझसे करना है, ठीक है। एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।